ये छिलका थोड़ा पतला ही उतार ले, इतना मोटा मोटा उतारे जा रही है। आधे से ज्यादा सब्जी तो तूने छिलके छिलके में निकाल दी। अरे मम्मी सही तो है, मेरे से नहीं उतरता इससे पतले ज्यादा छिलका, कहीं नहीं है इतना मोटा। और सुन, सब्जियां ना थोड़ी कम तेल में छौंका कर, इतना सारा तेल डाल देगी उसमें और फिर बनने के बाद उसे चम्मच से निकाल के सिंक में डालेगी। फायदा क्या हुआ इतना तेल डालने का, पहले कम डाल लिया कर। क्या है मम्मी, मुझसे नहीं छौंकी जाती कम तेल में सब्जी, आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप खुद छौंक लिया करो। मैं तुझे कोई बात समझाती हूँ तो गुस्सा क्यों हो जाए तू, तेरे भले के लिए तो बोलती हूँ। अभी घर का खर्चा मैं संभाल रही हूँ ना, तो पता नहीं चल रहा तुझे, जब खुद संभालेगी तब पता चलेगा। रहने दो मम्मी, घर संभालना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लोगों ने इसको हवा बना रखा है। अरे हाथ में पैसे हो तो सारे काम हो जाते हैं। अरे आपको क्या लगता है मैं घर संभाल नहीं सकती, चाबियां दो मुझे, आपसे भी अच्छा संभाल के दिखाऊंगी। लेकिन आप चाबियां दो तो तभी तो संभालू ना। तो ठीक है, इस महीने जो भी खर्चे के पैसे होंगे ना मैं तुझे ही पकड़ा दूंगी, मेरे लिए तो अच्छा ही है, तो घर की जिम्मेदारियां ले ले, अरे मैं भी बेफिक्र हो जाऊं। तो ठीक है, इस बार मैं दिखाऊंगी कि घर कैसे चलता है। ठीक है, मैं तुझे पैसे शाम को दे दूंगी। ये आजकल की सासें क्या सोचती है, हम बहू घर नहीं चला सकती, अरे इससे ज्यादा अच्छे से चला सकती है। पर ये पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है जैसे घर संभालना बहुत मुश्किल है। अरे हम स्मार्ट बहुएं हैं, मैं इन्हें दिखा के रहूंगी कि मैं इनसे बेहतर घर संभाल सकती हूँ। बहू सिलेंडर वाला आ गया, उसके पैसे दे आ। हाँ देती हूँ अभी। सिलेंडर भी आ गया, अखबार का बिल भी दे दिया, 10 की ट्यूशन की फीस भी दे दी, रह गया तो बिजली का बिल और राशन। अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब मैं पार्लर जाऊंगी, बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास फेशियल करा के आऊंगी। जब सास के हाथ में पैसे थे तो पार्लर जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, अब तो सब मेरे हाथ में है। हेलो, हाँ रेनू, कहाँ, मॉल में? चल मुझे भी कुछ सामान लेना है, चल पड़ती हूँ साथ में। ओके 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 बाय। मम्मी जी शाम को मैं मॉल जाऊंगी सामान लेने, राशन का सामान वहीं से ले आऊंगी। अरे तो किराने की दुकान से ले आ, वहां जाने की क्या जरूरत है, वहां इतना महंगा मिलेगा। मम्मी जी ये आपका वहम है कि मॉल में सामान महंगा मिलता है, पर सच तो ये है कि दुकान से भी सस्ता मिलता है मॉल में सामान। ठीक है, जहाँ से लाना वहां से ले आ, मुझे क्या, मुझे तो राशन से मतलब, वो आना चाहिए। हाँ तो बस बात खत्म। वाह आज तो मजा आ गया शॉपिंग करके, हाथ में पैसे थे तो ये भी ले ले वो भी ले ले, जब मम्मी जी के हाथ में पैसे हुआ करते थे एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता था। बहू बिजली का बिल आ गया है, बिट्टू से कह देना जमा कर आएगा। ठीक है कह दूंगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यार 40,000 में से 35,000 तो खर्च हो गए, अभी 5,000 बचे हैं और डेढ़ हफ्ता बचा है, 700 रुपये की तो मम्मी जी की दवाई आ जाएगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मम्मी से बोलूंगी तो नाक कट जाएगी। इनसे बोलती हूँ कुछ एक्स्ट्रा पैसे मुझे दे दो, पर इन्होंने मना कर दिया तो क्या सोच रही है बहू, और ये क्या हिसाब किताब कर रही है तू? कुछ नहीं बस घर खर्च का हिसाब कर रही थी। दवाई ले आई मेरी? नहीं आज ले आऊंगी शाम को। ठीक है, मैं तो बस दवाई की याद दिलवाने आई थी। मम्मी जी। हाँ बोल। मम्मी वो मैं कैसे कहूँ आपसे? हाँ बोल। चलो छोड़ो कुछ नहीं, आप जाओ। चल कोई नहीं, नहीं बताना चाह रही तो। क्या बात है, दो दिन से देख रही हूँ तुझे, बड़ी चुपचाप सी है। मम्मी जी
वो बात ऐसी थी, जो महीने के घर खर्च के पैसे थे ना, वो सारे खर्च हो गए। और मैं ना यही सोच सोच के परेशान हूँ कि ये हफ्ता कैसे निकलेगा। क्या सारे पैसे खर्च हो गए? पर कैसे? पता नहीं मम्मी जी कैसे खर्च हो गए। ये सब है ना तेरी ना समझी और तेरी फिजूल खर्ची का नतीजा है। तभी तुझसे कहती थी बार बार कि पैसे है ना थोड़ा सोच समझ के खर्च किया कर। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, ये मेरी ना समझी का नतीजा है। पता नहीं आप कैसे उन पैसों में पूरा महीना निकाल लेती थी और पैसे भी बचा लेती थी, पर मैंने तो ये महीना भी। चल अब कोई नहीं, मेरे पास रखे हैं कुछ पैसे, उनमें से काम चला लेना। बस मम्मी जी ये हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है, आप ही सामान ला के दे दिया करो। मेरी तो एक महीने में ही दिमाग की घंटी बज गई। देख बेटा, जो घर के बड़े होते हैं ना, वो बस यही चाहते हैं कि बच्चे हैं ना अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना सीख लें, इसलिए बार बार टोकते रहते हैं। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। हाँ बड़ों की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, पर उनके पीछे के जो उनके भाव होते हैं ना, उनमें हमेशा बच्चों की भलाई छिपी होती है। अब तो ये बता, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये रुपए पैसे मैं क्या अपनी छाती पर धर के लेके जाऊंगी? अरे सब तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगी ना। हर माँ बाप बस यही अपने बच्चों से यही चाहता है कि वो 10 के 20 करना सीखे, 10 के 5 ना करे। पैसे बचाओगे तो भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगे ना। बस मम्मी मैं अच्छे से समझ गई, आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाय फ्रेंड्स, बड़ों का रोकना टोकना हमें भले ही अच्छा ना लगता हो, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, उनका ये रोकना टोकना हमारे अच्छे भविष्य के लिए ही होता है। क्योंकि वो जो भी बातें हमें बताते हैं, सिखाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी का अनुभव होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।